जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह के चिन्हों वाला भाग करना सीखेंगे, जिसमें भिन्नों का भाग तो बहुत लोग को आता होगा, लेकिन जैसे ही उसमें प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है तो बहुत लोग गलत करते हैं। तो कैसे आप इसे सही करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले सबसे कुछ नियम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या माइनस में है, अगर आप उसमें भाग देते हो प्लस वाला संख्या से, तो आपका जो भाग करने पर आंसर आएगा हमेशा माइनस रहेगा। अगर दोनों ही संख्या माइनस हैं, यानी कि माइनस वाले संख्या में आप माइनस वाले संख्या से ही भाग करते हो, तो आपका हमेशा जो भागफल आएगा ये प्लस में होगा। अगर दोनों प्लस हैं तब भी आपका प्लस ही रहेगा। तो कहने का मतलब अगर दोनों प्लस रहेगा तब प्लस, दोनों माइनस रहेगा तब प्लस, अगर एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा माइनस रहेगा, चाहे प्लस इधर रहे चाहे माइनस इधर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा उसका भागफल यानी कि जो आंसर होगा हमेशा माइनस में होगा। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं सवाल नंबर पहला। आपको पता है कि पहले वाले को कुछ भी नहीं करते हैं और गुणा का चिन्ह लगा करके दूसरे वाले को पलटते हैं, यानी कि चार बट्टे पाँच है तो हो जाएगा पाँच बट्टे चार, इस तरह से। अब अगर तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे कट रहा है तो काट भी सकते हो आप। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो एक कम दो, दो दूनी चार, कट रहा था तो हमने काट दिया, अब देखिए नहीं कट रहा है। तो ऊपर का पहाड़ा ऊपर और नीचे का पहाड़ा नीचे पड़ते हैं, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, पाँच एक कम पाँच और नीचे हो जाएगा दो तीन छः। अब दोस्तों यहाँ माइनस भी है तो लिखेंगे माइनस छः। अब एक रूल ये होता है कि अगर माइनस नीचे है तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाँच बट्टे छः, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे माइनस चार है तो माइनस चार लिखेंगे। अब इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं मत लिखिए, अगर आपका मन करे तो एक लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो इसको पलटेंगे, पाँच ऊपर जाएगा तीन नीचे जाएगा, इस तरह से। अब कितना हो जाएगा, माइनस चार जब गुणा करेगा पाँच में तो हो जाता है कितना, चार पच्चे बीस माइनस में और बट्टा में तीन एकम तीन माइनस में। अच्छा एक रूल होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई भी संख्या में अगर हर में माइनस होता है, जैसे मान लीजिए तीन बट्टा माइनस पाँच है, तो इस माइनस को आप ऊपर लिख करके माइनस तीन बट्टे पाँच कर सकते हो। अगर किसी संख्या में अंश और हर दोनों में माइनस हो तो क्या होता है ना कि आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी दोनों प्लस हो गए, यानी कि दोनों माइनस हो गए हैं, दोनों को आप प्लस में लिख सकते हो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बीस बट्टा तीन, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है इस तरह से। अगर आप इतना भी छोड़ देते तो आपको गलत नहीं होता, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर बीस बट्टा तीन ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, जो कि माइनस छः बट्टा सात है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके पलटेंगे, तो पलटेंगे कैसे, अगर संख्या एक ही है तो कैसे। मैंने बोला कि अगर इसके हर में कुछ भी नहीं है तो एक लिख लीजिए, अगर एक लिख लेंगे तो अब तो पलट सकते हैं, यानी कि एक ऊपर जाएगा और पंद्रह नीचे चला आएगा, तो इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पर दो और यहाँ पर पाँच लिख सकते हैं, कैसे, तीन दूना छः तीन पच्चे पंद्रह, यानी कि तीन से दोनों संख्याएं कट रही थी तो काट सकते हैं। अब नहीं कट रहा है तो दो एक कम दो बटे सात पच्चे पैंतीस, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर चौथा, यहाँ पर जाएगा माइनस एक बट्टा आठ गुणा में चार बट्टे तीन, चार दूनी आठ, यानी कितना हो जाएगा, माइनस एक ऊपर हो गया नीचे हो गया दो तीन छः, यहाँ करेंगे तो पंद्रह बट्टे सात, पलटेंगे सात ऊपर जाएगा और माइनस पाँच नीचे आएगा, सात सात कट जाएगा, पाँच तीन पंद्रह, यानी कि ऊपर हो जाएगा प्लस तीन नीचे हो जाएगा माइनस एक, क्योंकि जो माइनस है माइनस तो रहेगा और एक रहता ही है, क्योंकि पाँच एक कम पाँच, पाँच तीन पंद्रह होगा, तो माइनस एक है नीचे। तो मैंने बोला कि भाई इस माइनस को आप ऊपर भी कर सकते हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल माइनस तीन हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में एक रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस सात बट्टा बारह गुणा करेंगे, तीन ऊपर जाएगा माइनस दो नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तीन चौको बारह कर लेते हैं। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है तो सात ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा चार दूनी आठ, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी सवाल बहुत ही आसान तरीकों से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक नमस्कार, जय हिंद।